गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। तो आपको जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका भी वेक्टर फॉर्म होता होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सुनिए, पीछे का लिंक दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, और इसका वेक्टर फॉर्म भी होता होगा। यही सब गलती करते हैं, सही बोल रहे हैं। पीछे का चीज़ जब लिंक दें बोले तो आप सुनिए, बार बार करने का नहीं मिलता है मौका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स था, उसका स्केलर फॉर्म भी पढ़े थे और साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे, उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वेक्टर फॉर्म भी होगा और स्केलर फॉर्म भी होगा। स्केलर फॉर्म हम लोग पढ़ लिए थे के क्यू बाय आर स्क्वायर पिछले क्लास में। आज वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो ध्यान से देखिए, मानिए ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका है जेड एक्सिस, क्या है जेड एक्सिस, ओके। कहीं पर भी स्पेस में, जो कि एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है, कहीं पर भी स्पेस में आपको कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कोई दिक्कत। और ये है आपका ओरिजिन, क्या है ये ओरिजिन, कोई दिक्कत। तो ओरिजिन पर मान के चलिए कोई चार्ज रखा है ये क्यू, कोई दिक्कत। आपको यहाँ पर कह रहा है, यहाँ तो नहीं दिखा सकते पॉइंट, इसलिए दिखा दिए यहाँ पे। यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए यह जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा केवल यहाँ कि हर जगह करेगा, कोई दिक्कत। यह चार्ज हर जगह अनंत तक चारों ओर, समझ मारा कि नहीं, यहाँ 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 जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ हर जगह, समझ मारा कि नहीं। हर एक जगह अलग अलग स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई दिक्कत। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लिए ये पी, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रखेंगे तब लगता है कि बिना चार्ज रखे यहाँ लग रहा है? अरे यह चार्ज है ना जी, इसका प्रभाव कायम है चारों ओर। तो टेस्ट चार्ज रख देते थे, अगर नहीं रखेंगे टेस्ट चार्ज तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि होगा। टेस्ट चार्ज से पता चलता है कितना होगा, समझ मारे कि नहीं। लेकिन है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, है इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह। हम कहीं पर मानो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत। तो किधर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की ओर। आपको मान लेना है कि दिमाग में रख लेना, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज है, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की ओर। कल देखा माइनस है तो अंदर की ओर, प्लस वाला फूकता है तो माइनस वाला खींचता है, यह बात हम लोग कल सीखे थे। तो यह पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज अगर रखेंगे भी तो धक्का इधर मारेगा, रखना नहीं है। यह नहीं कि टेस्ट चार्ज, बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फील्ड तो इसका है प्रभाव क्षेत्र, नहीं, जो कि चारों ओर होता है इस स्फेरिकल फॉर्म में, या पॉइंट सोर्स है तो उसी के सिमेट्री के फॉर्म में, समझ मारा कि नहीं, अनंत तक। लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है जिसका कि पोजिशन वेक्टर है, चूंकि हमको किस में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में, किस में पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट पी पर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बोलिए होगा या नहीं, पक्का?
तो इसका पोजीशन देख लीजिए, यहाँ से कितना दूरी पर है इस चार्ज से, मान लीजिए आर दूरी पर है, कितना दूरी पर है आर दूरी पर, कोई दिक्कत? डायरेक्शंस किधर है? डायरेक्शंस बताने के लिए वेक्टर को यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, अगर यह पोजीशन वेक्टर आर है तो यह यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर कैप। यह केवल डायरेक्शंस के लिए यूज होता है और कोई बात नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत? तो ध्यान से सोचिएगा, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में अदिश रूप में, अदिश रूप में हम निकालने सीख चुके थे। क्या सीखे थे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसी के बराबर, कोई दिक्कत? अगर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप में, किसमें? सदिश रूप में, सदिश रूप में। सोचिएगा तनिक, अगर हम सदिश रूप में है तो यहां पर हम वेक्टर लगा दिए, बोलिए कोई दिक्कत? यहां पर चार्ज वेक्टर नहीं है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत? तो वेक्टर होगा तो आर ही होगा, कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए, जैसे ही इस पर आप वेक्टर लगाइएगा तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है बताइए? जिधर आर का दिशा है उसी दिशा में है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या? एलोंग आर, एलोंग वेक्टर आर, वेक्टर आर के ही दिशा में, कोई दिक्कत? इसी चीज को, यही चीज को आप ये भी लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर किधर है? आर के दिशा में, किसी वेक्टर के दिशा, वेक्टर के दिशा में है तो उसको किससे दिखाते हैं? आर कैप से। यानी एलोंग आर, वेक्टर आर के जगह पर हम लोग आर कैप भी लिख सकते हैं, बोलिए, नया बात नहीं है। और आपको ये बताया ही गया था, वेक्टर ए बराबर, ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए बाय ए, बोलो। तो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेक्टर आर बाय आर कैप, वेक्टर आर बाय आर, आर कैप को, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के क्यू बाय आर क्यू, के क्यू बाय आर क्यू और वेक्टर आर, तो ये सब फॉर्मेट एक ही है, सब फॉर्मेट एक ही है, कोई दिक्कत? चाहे ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चाहे आप ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, ऑल आर इन वेक्टर फॉर्म, हर जगह आपको डायरेक्शंस बताया जा रहा है, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है। इसी चीज को वेक्टर में आर कैप से दिखाएंगे, आर कैप का फॉर्मूला से ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को गुना कर दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, स्केलर फॉर्म में के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत? और वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाय आर क्यू, बगल में आर, वेक्टर आर होता है। मूर्ख हुआ आदमी कहता है देखो आर से गुना कर दिए और आर से, जैसे यहां देखिए, आर से गुना कर दिए और आर से भाग दे दिए, नहीं समझे? कोई दिक्कत? और ये क्या कर दिएगा? आर क्यू। ये माइंड ऑपरेशन करने के लिए ये बातें कह के लोग निकल जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेक्टर के रूल्स के अनुसार यहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बातें थी, कोई दिक्कत? और यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शंस भी लगा, इसी डायरेक्शंस को हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में बताते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बाय आर, और इसी चीज को फिर हम मल्टीप्लाई किए तो के क्यू बाय आर क्यू और बगल में वेक्टर आर आ गया। ये फॉर्म है किसका? वेक्टर फॉर्म का। तो ज्यादातर केस में बोर्ड लेवल की बातें केवल स्केलर फॉर्म में ही हुआ करता है, कोई दिक्कत? जैसा कि आपको पता है कि हम डिटेल्स पढ़ाते हैं एक एक चीज, इसलिए थ्योरी में कुछ नहीं छोड़ना है हमको, इसलिए ये फॉर्म भी आपको बता दिया गया, कोई दिक्कत? इंग्लिश वाले 5 लाइन छोड़ करके फिगर बना के नीचे लिखिए, हिंदी वाले साथ साथ लिखिए। माना कि कोई
कोई बिंदु पी का मूल बिंदु से, मूल बिंदु से स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर आर है एवं मूल बिंदु पर आवेश क्यों रखा गया है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता स्पेस में इस बिंदु P पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। जैसा कि चित्र में स्थिति को दर्शाया गया है। लिखिए इंग्लिश वाले, लेट अस कंसीडर अबाउट एनी पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर अबाउट एनी पॉइंट पी इन ए स्पेस हुज पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज आर, वेक्टर आर। एंड प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ऑरिजिन एज शॉन इन द फिगर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। लिख लिए, मिटा सकता हूं ऊपर। अब हम लोग
क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 10 कूलम एट ऑरिजिन इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट डैट पॉइंट। मूल बिंदु पर रखे आवेश 10 कूलम से कोई बिंदु पी का स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन है, नीचे मिटा दूं। स्केलर फॉर्म वाला जो है बिल्कुल आसान है, नहीं स्केलर फॉर्म वाला बिल्कुल आसान है। उसमें के का मान पहले जानते थे, क्यू का मान दिया ही रहेगा और आर दूरी दिया रहेगा 10 मीटर 20 मीटर जो भी हो, बस के क्यू बाय आर स्क्वायर करना है, बच्चा वाला खेल है, तुरंत हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में भी पूछ देता है, ठीक है, इसीलिए यह भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा तो सीखिएगा। आप देखिए मूल बिंदु जान रहे हैं आप लोग किसको कहते हैं, बोलिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है, ये है मूल बिंदु। कोई दिक्कत कहीं पर भी, देखिए x में कितना चला 3i, y में कितना 4j, z में कितना 5k, ध्यान दीजिए ना जी। x में कितना चला है 3i, इसका मतलब इधर चला 3, y में कितना 4, z में कितना 5, कहीं पर पॉइंट है। इस चीज को यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए आंख बंद करके कहीं पर भी पॉइंट बना लीजिए, ये पॉइंट है P। ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है कितना 10 कूलम, कितना रखा हुआ है 10 कूलम, और इसकी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना है पोजीशन वेक्टर R बराबर बताइए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देखिए जिसको हल्का हल्का पढ़ना है 9 बजे आ जाओ, मैंने बैच स्टार्ट करके देखा 9 बजे माहौल पकड़ लिया बहुत जोर से, आधा बैच से ज़्यादा फुल हो जा रहा है,
ठीक है, एक सेकंड बंद करता हूं थोड़ा सा। तो ध्यान से देखिए, तो इस जगह पर आपको क्या निकालना है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालना है। ऑब्वियसली है ये प्लस चार्ज है तो इस इधर रिपेल होगा, बोलो होगा, तो इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही केवल नहीं निकालना है, इसका वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? इसका वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश निकालना है, कोई दिक्कत? अर्थात डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करनी है। तो बताइए, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, आर कैप का दिशा इधर होगा, बोलिए होगा कि नहीं? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो आपको फॉर्मूला सिखाए के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये लिख सकते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत? और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। इसी आर कैप को हम लोग ने अभी तुरंत लिखा था वेक्टर आर बाय आर, कोई दिक्कत? इसे आर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आर क्यू। क्या हो जाएगा? आर क्यू। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? इतना होगा, किधर? आर के दिशा में, कोई दिक्कत? तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू, ओके, बाय आर। आर मतलब क्या हुआ? यह डिस्टेंस, बोलो जल्दी से बताइए। वेक्टर आर दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सीखे थे, बोलिए? एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलिए सीखे है कि नहीं? सच सच बोलिए, पढ़ाया गया है। इसीलिए इसके क्या लिखेंगे, थ्री का स्क्वायर प्लस, जो बच्चा ट्वेल्थ में आया है उसको ये सब बताएंगे तो समझ में आएगा, बोलो जल्दी से। अलेवंथ कुछ नहीं पढ़ा है तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए नहीं बताया जाता है, ठीक है, लेकिन चीजें है सिलेबस में। तो फोर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? फाइव का स्क्वायर। बच्चे ये सब चीज नहीं पकड़ पाते हैं, बच्चे ये सब चीज नहीं पकड़ पाते हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये सब चीज नहीं पढ़ाता है लोग। कितना हो जाएगा? नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस 25। आप जानते हैं यही प्लस टू पढ़ाने के लिए, ध्यान से देखिए, कोटा में अलग फिजिक्स हो जाता है, नहीं, इसी को पढ़ाने के लिए 4 लाख लेता है। कितना लेता है? हॉस्टल फी वगैरह सब लगा के 4 लाख लेता है, यहाँ 4,000-5,000 लेता है। वजह क्या है? उतना जो पैसा देता है तो उसको इच्छा रहता है कि हम सीखें सारा चीज, भाग भी नहीं सकता है, नहीं समझे? यहाँ क्या है, 4,000 की बातें है, 5,000 का जहाँ फटाक से पार हो जाता है, ठीक है। अच्छे टीचर आकर के भी खराब होना पड़ता है मजबूरी, केवल लंबी लंबी बातें करना पड़ता है उसको, नहीं तो पेट बांध लेगा अपना, बताइए। अगर दूसरा ब्रांच में रहने रहता तो क्या हाल होता है यहाँ? कितना हो जाएगा बताइए? 3 का स्क्वायर प्लस 16 का 16 और 25, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 16 9 25 25, कितना हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 50 का क्यूब, बोलिए, रूट 50। कितना है? रूट 50, रूट 50 का क्यूब। और इधर क्या आ गया? वेक्टर आर, वेक्टर आर कितना है बोलिए? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके। तो इस तरह से E इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं क्या? के क्यू बाय, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? रूट 50 × 50 × 50 3 बार, दो में से एक बाहर आ जाएगा, यानी 50 बाहर आ गया, रूट 50 बचा रह गया, बोलिए कोई दिक्कत? रूट 50 बचा रह जाएगा, इस चीज को समझे कि नहीं? 3 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत? दो ठो में एक ठो बाहर हो गया, एक ठो रह ही गया रूट के अंदर, और इधर कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कोई दिक्कत? तो आप k का मान रखिए, k का मान कितना है बोलिए? वेरी गुड, 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है? 10 बाय
कितना 50 रूट 50, ओके। रूट अंडर कितना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सर रूट कहाँ है, रूट नहीं है, प्लस 5 के कैप। अभी भी आंसर नहीं आया है, ये और ये कट जाए कितने बार में, 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में। इसलिए E बराबर ध्यान से देखिए 9 गुने 10 पर पावर 9, कोई दिक्कत, इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो तो 9 गुने 10 गुना 10 पर पावर 8, कोई बुराई वाली बात, 9 है तो 1 और 8 9 हो गया, बाय नीचे कितना 5 है तो रहने दो, 50 को तोड़ो, 25 गुना 2 लिखेंगे कि नहीं, 25 का निकल जाएगा 5, अब बच गया क्या रूट 2, इसको कटा दीजिए कितने बार में, 2 बार में, और इधर तो आपका है ही 3 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के, समझना है ध्यान से, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 9 दो 9 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, और 10 पर पावर कितना 18, 10 पर पावर कितना 18 बाय 5 रूट 2, 8 दो 9 16, वेरी गुड वेरी गुड, कितना हो जाएगा 8, अच्छा बात है, बाय नीचे कितना बाबू 5 रूट 2, और बगल में कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इतना ही नहीं रहेगा आंसर, अभी और आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, ऐसा अगर कर दें E इज इक्वल टू, देखो यहाँ 18 गुने 10 गुने 10 पर पावर 7 लिख सकता हूँ, कटाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, इतना इंटू कितना हो जाएगा ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। देखिए ये सब हल्ला नहीं करना 9 बजे वाले बैच को, ये सब बच्चे, देखिए बच्चे को ठग, सुनो बच्चे के, देखो यहाँ बच्चे के साथ विडंबना क्या होता है, उसको ठग लीजिए, अगर वह नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जान गया तो दिक्कत होता है, और जनरली नहीं जान पाता है, विकलांग आदमी दौड़े नहीं पाएगा वहां तक तो जानेगा क्या, बात रही बोर्ड का, आसान बोर्ड लेगा या जो भी ले, इधर विगत 5 वर्षों से वो पास कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, ठीक है। हम ही नहीं करते, हम ही जहां भीड़ है वहां क्या जा रहा है, ठीक है, लिख लिए, तो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बताओ, अगर ऐसा नहीं है तो नेटा चूने वाला बच्चा एकदम लेला बौका, वो कैसे कहता है हमको समझ में आता है फिजिक्स, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, बहुत मजा आता है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी क्या हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक एक चीजें को वो सब, ये सब पढ़ा वो खुद ही नहीं जानता होगा, पढ़ाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, ये 5 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, इसीलिए E इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 18 दो 9 कितना 36 इंटू 10 पर पावर कितना 7 बाय क्या रूट 2, बाय क्या रूट 2। आप देखिए नीचे से रूट 2 ऊपर करना है तो बताइए परमयकरण कर सकते हैं ना, इसको बचपन से सीखे हैं, कोई दिक्कत, रूट 2 से गुना भी कर दिए, रूट 2 से भाग भी दे दिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसीलिए ये और ये, सॉरी कटाइए देंगे फायदा क्या, इसलिए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 पर पावर 7 रूट 2 बाय, ये नहीं कटाया हूँ, ठीक है, रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा कितने बार में 18 बार में, और बगल में क्या आ रहा है बताइए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके। आइए E इज इक्वल टू तब कितना हो जाएगा बोलिए, 18 इंटू हाँ, अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कीजिए इसको 18 रूट टू इंटू 10 पर पावर 7 और कितना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, अब इसको गुना कर देना है उसमें, कोई दिक्कत, इसलिए E इज इक्वल टू चलिए गुना कीजिए 18 * 54 कितना जगह, इसमें हंसनी ही नहीं चाहिए, ये टंग है स्लिप ऑफ टंग,
फिजिक्स के क्वेश्चन में गलत जवाब दे तो हंसो, ये गलत नहीं है, ये किसी से भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखिए, 18 + 3 कितना जाएगा 54, √2 × 10⁻⁷ कोई दिक्कत, प्लस 18 × 72 √2 × 10⁻⁷ जे कैप, प्लस 18 × 5 = 90 √2 × 10⁻⁷ और कितना के कैप। ये है आपका आंसर हुआ वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अगर बाबू स्केलर फॉर्म में कहता, कह नहीं रहा है, अगर केवल कहता क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए, क्या कहता विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता सदिश नहीं लगा रहता यहाँ, सदिश क्वेश्चन भले इसी तरह रहता, क्वेश्चन भले इसी तरह रहता, सदिश लगा नहीं रहता, तब आप E बराबर केवल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाते के क्यूब बाय आर स्क्वायर, के क्यूब बाय के का मान यहाँ फटाक से 9 × 10⁻⁹, कोई दिक्कत, देखो इसे ढक दिया, ठीक है, और Q का मान कितना है 10 / r, r कितना √50, √50 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाता है बताइए, 9 × 10⁻⁹ नीचे कितना 50 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 × 5 = 50, आंसर कितना आता 9/5 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह स्केलर फॉर्म में आंसर आता, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, और ये किस में आया वेक्टर फॉर्म में, इतना आंसर आया न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत, तो वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है अगर आगे पढ़िएगा तो, कोई दिक्कत, बाकी स्केलर फॉर्म वाला बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत, ये आसानी से बन जाएगा, इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ लिए, अब फोर्स में भी हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़े थे कि नहीं, स्केलर फॉर्म भी पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे, उस पर सवाल भी बनाए थे, उसी टाइप से बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर फॉर्म में पढ़े, वेक्टर फॉर्म में पढ़े, वेक्टर को जोड़ने भी आना चाहिए ना, बोलो जल्दी से, जैसे फोर्स को भी जोड़े थे हम लोग वेक्टर मेथड से, उसी टाइप से इंटेंसिटी को भी जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर मेथड से, कोई दिक्कत। आज जो पढ़ाएंगे यह 2 नंबर में फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा सुपर पोजिशन, पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लिखे तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे ना फोर्स के लिए, उसी टाइप से है, चीजें एक ही है, अलग नहीं है, आपको बताए भी थे फोर्स जो जान गया वो फील्ड भी जान गया। आइए देखिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, ध्यान से देखिए, बहुत सारे चार्ज है, मानो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है, कोई दिक्कत, इस जगह कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कोई दिक्कत, क्या फील्ड होगा कि नहीं, ये भी पैदा किया होगा, इसका भी प्रभाव क्षेत्र होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, होगा कि नहीं, तो फील्ड तो होगा, क्या फील्ड के लिए चार्ज रखना यहां जरूरी है, बोलो जल्दी से, नहीं ना, चार्ज नहीं भी रहेगा तब फिर भी फील्ड रहता है, मानिए यह प्लस चार्ज का फील्ड किधर होगा,
बाहर की ओर इधर, बोलिए। मान लीजिए ये F1, क्या मान, F1 नहीं E1, क्या मान लिए E1, और इसके लिए ये होगा, क्या हो जाएगा ये E3, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा E2, क्या हो जाएगा E2, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये सब को कैसे जोड़ेंगे, तो यही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है, बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि नेट इंटेंसिटी जो निकालिएगा, क्योंकि वेक्टर है, कैसे जोड़ना है, वेक्टर मेथड से, कैसे जोड़ना है, वेक्टर मेथड से, बोलिए। अगर जो बच्चे को वेक्टर नहीं आता है, वेक्टर मेथड से निकालने जोड़ पाएगा, बोलो, नहीं ना जोड़ पाएगा, इसीलिए सबको हम लोग किससे जोड़ना है, वेक्टर मेथड से। यही सिद्धांत जो है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इंग्लिश वाले इसको लिखिए, तीन लाइन चार लाइन छोड़ के फिगर बना के, हिंदी वाले मेरे साथ लिखो, बहुल आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर अपना विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। इन सभी को सदिश विधि से जोड़ना चाहिए, इस सिद्धांत को विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। दो नंबर में क्वेश्चन फिक्स है, लगा दिए MBBI, बाद में सजेशन मांगना लास्ट में, अब ये सजेशन दे दिए, ठीक है। दो मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश में लिखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज एडिंग बाय वेक्टर मेथड इज एडिंग बाय वेक्टर मेथड ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज सच प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है, आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे फोर्स को जोड़े थे वेक्टर मेथड से, डिट्टो यहां भी जोड़ना है, कुछ नया नहीं सीखना है, रिजल्ट निकालना पड़ेगा, नहीं दो ठो रहेगा तो उसके लिए रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जैसे फोर्स में निकाले थे उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी निकालेंगे। चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, कल इस पर भी देखेंगे आगे, ओके।